जीवन के बिना का तार बोले, सांसों में सुर का सिंगार बोले। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी हस्ती के बारे में जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि तब से अब तक उन्हें बॉलीवुड में कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाया। वो इतना बड़ा हो गया लेकिन अपने हाथ से नहीं खा सकता है। मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा तो भी तुम्हारे हाथ से खाऊंगा। अरे तब तक मैं थोड़ी रहने वाली हूँ। ऐसा मत बोलो माँ, मेरी माँ को कभी कुछ नहीं हो सकता। एक ऐसी अदाकारा जो फिल्मों में एक्सीडेंटली आ गई। तू है या नहीं भगवान, कभी होता भरोसा कभी होता भरम। लेकिन अगर वो ना आई होती तो हम उन फिल्मों की जिसमें उनकी अदाकारी शामिल है उनके बिना कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वो एक ऐसी अदाकारा रही जिनका फिल्मों में हीरोइन बनने का सफर बहुत छोटा था। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत। और वो अपने से बड़ी उम्र के हीरो की ऐसी माँ बनी कि फिल्म इंडस्ट्री के सारे बेटे अपने किरदारों को इस बखूबी अंजाम देने लगे कि माँ बेटे ही फिल्म का सारा आकर्षण बन जाते। माँ तुम्हें मेरे माँ हो तुम्हें, मैं मूर्ख था, मूर्खता में घर से चला गया। माँ माँ पहले भी सैकड़ों बार मैंने भूल की, पर सैकड़ों बार तुमने मुझे माफ किया। क्या आप नहीं करोगे? माँ मैं आ गया हूँ माँ, आप क्यों रोती हो? रो नहीं माँ रो नहीं, तुम्ही मेरी माँ। मात्र 15 साल की उम्र में शादी हो जाने के बाद इनका रुख फिल्मों की तरफ हुआ और इस अदाकारा ने 250 फिल्मों में काम करके बॉलीवुड के इतिहास में अपना नाम लिख दिया। लगभग 50 सालों तक फिल्मों में काम करने वाली ये अदाकारा अपने समय में बॉलीवुड के हर एक टॉप के अभिनेता की माँ बनी। मूर्ख इधर आओ, ये देख अब किसकी आंख पर पर्दा पड़ा है, तेरी या उनकी? क्या लालची आदमी फटे हुए कपड़े पहनता है? ऐसी धोती ऐसा कुर्ता देख ले, एक एक कपड़े देख ले, ये पेवन ये सुराख ये जगह जगह सिलाई के निशान, क्या यही लालच की निशानियां है? नालायक। फिल्म जगत की इस माँ की इमेज इतनी प्रभावशाली है कि जब भी इनके नाम का जिक्र होता है तो उस एरा की सभी फिल्मों में इनका चेहरा आंखों के सामने उतर आता है। क्या आप जानते हैं कि इन्हें फिल्मों में लाने का श्रेय इनके पति को जाता है? वहीं आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इनके फिल्मों में काम करने की वजह से इनके पिता ने आखिरी दम तक इनकी शक्ल नहीं देखी थी। ये फिल्मी पर्दे की एक ऐसी ममतामयी माँ थी जिसके बच्चे उन्हें बेहद प्यार करते थे, लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए कि इनके खुद के बच्चों में इनकी मृत्यु के बाद इनकी प्रॉपर्टी को लेकर बहुत बड़ा विवाद चला, बात मारने और पीटने तक आ गई थी। कौन थी ये अदाकारा, कहां से आई थी ये मुंबई में और इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ, जानेंगे इस अदाकारा के बारे में और भी बहुत कुछ। आप बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। चलती जाए रात, कहले दिल की बात, शम्मा परवा। आज हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने की महान अदाकारा निरूपा रॉय के बारे में, जिन्हें फिल्मी जगत की मां कहना गलत ना होगा, जिनका नाम लेते ही प्यार से भरी एक मां की छवि आंखों के आगे तैरने लगती है। चलिए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा शुरू से। निरूपा रॉय का जन्म 4 जनवरी 1931 में वलसाड़ गुजरात में हुआ था। इनका आरंभिक नाम था कोकिला किशोर चंद्र बलसारा। जब वे 15 साल की थी तभी उनकी शादी कर दी गई। इनके पति का नाम था कमल रॉय। शादी के बाद ही इनका नाम बदल कर निरूपा रॉय रख दिया गया और कुछ समय बाद ही वे अपने पति के साथ सपनों के शहर मुंबई आ गई। कुछ ही समय बीता था कि एक दिन एक गुजराती अखबार में आए ऑडिशन के लिए जब इनके पति जाने को तैयार हुए तो अचानक उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वो निरूपा को भी साथ ले जाएं और इस बहाने वे निरूपा को थोड़ा मुंबई घुमा लाएंगे। लेकिन होता वही है जो किस्मत को मंजूर हो। कमल रॉय तो इस ऑडिशन को पास नहीं कर पाए, लेकिन प्रोड्यूसर की नजर में निरूपा आ गई
और इस तरह निरुपा रॉय को उनकी पहली फिल्म रनक देवी में बतौर हीरोइन काम करने का मौका मिला। ये गुजराती फिल्म थी जो 1946 में रिलीज हुई और इसी साल उनकी पहली हिंदी फिल्म अमर राज भी रिलीज हुई। एक तरफ जहां इनके पति को इनके फिल्मों में काम करने से कोई एतराज नहीं था, वहीं इनके पिता निरूपा से इस कदर नाराज हो गए थे कि उन्होंने जीते जी फिर कभी निरूपा का चेहरा नहीं देखा। और इस बात का जिक्र खुद निरूपा रॉय ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। खैर, फिल्मों की बात करें तो 1953 में बिमल रॉय के निर्देशन में उनकी वो फिल्म आई जिसने निरूपा रॉय को फिल्म इंडस्ट्री में वो जगह दिलाई जो किसी भी अदाकारा के लिए बड़े ही गर्व की बात हो सकती है। ये फिल्म थी 2 बीघा जमीन, जिसमें निरूपा रॉय के ऑपोजिट थे बलराज सहानी। तूने फिर रोना शुरू कर दी, इसमें रोने की क्या बात है? लोग क्या कलकत्ते नहीं जाते? क्या जाने, मन जैसे बार बार कह उठता कि मैं फिर तुम्हें कभी नहीं देख सकूं। जी बारो, तू तो मुझे भी रुला। आंसू पहुंच, पहुंच आंसू, जा घर जा, नहीं तो मैं जा नहीं सकूंगा, जा। इस फिल्म ने ना सिर्फ अपने नाम नेशनल अवार्ड किया बल्कि पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। साथ ही साथ ये पहली इंडियन फिल्म थी जिसे कांस फेस्टिवल में दिखाया गया। आपको जानकर बेहद ताज्जुब होगा कि चीन में रिलीज होने वाली पहली इंडियन फिल्म भी यही थी। इस फिल्म से निरूपा रॉय और बलराज साहनी की जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आई और इसके बाद इस जोड़ी ने बहुत सी बेहतरीन फिल्मों में साथ में काम किया। ये फिल्में थी गरम कोट, हीरा मोती, दो रोटी, टकसाल, घर घर की कहानी और लाडला। न जाने मुझे इस घर में कब आराम मिलेगा, दुनिया भर की मुसीबतें और मेरी अकेली जान, आप भी तो मेरी मदद नहीं करते। ओहो, अब कौन सी नई मुसीबत आ पड़ी है? जिस दिन से बहन और बहनों को गांधीनगर वाले बंगले में ठहराया है, आप कभी भूल कर भी वहाँ गए हैं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुम्ही ने तो कर्फ्यू लगा रखा है, क्यों तुमने मना नहीं किया था वहाँ जाने को? तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी हर बात दिल में रख लें? सावित्री, आइंदा तुम पहले बता दिया करो कौन सी बात तुम्हारी दिल में रखने वाली है और कौन सी बात भूलने। निरूपा रॉय का अभिनय इतना सशक्त था कि उन्हें अलग अलग किरदारों को निभाने का मौका मिला। फिल्म हर हर महादेव में उन्होंने माँ पार्वती का किरदार निभाया और इसके बाद कुछ और धार्मिक फिल्में भी उनकी झोली में आई। तुम प्रभु बड़े इन किरदारों को निभाने की वजह से हालात ये बन गए कि लोग उन्हें देवी की तरह पूजने लगे। अक्सर लोग निरूपा रॉय के घर जाते ताकि वे उनके दर्शन कर सकें और उनसे आशीर्वाद ले सकें। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि जब निरूपा रॉय ने कुछ फिल्मों में थोड़े बोल्ड सीन किए तो दर्शक उनसे बेहद नाराज हो गए। इधर निरूपा अपनी इस छवि को तोड़ने के लिए बेहद बेकरार थी, जिस वजह से उन्होंने कुछ स्टंट फिल्मों में भी काम किया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्हें दर्शक सीधी साधी छवि में ही देखना पसंद करते थे। जब वे मात्र 24 साल की थी तब फिल्म मुनीम जी में उन्होंने देवानंद की बूढ़ी माँ का किरदार निभाया और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और इसके बाद वो कभी बीवी और कभी हीरो हीरोइन की माँ बनकर फिल्मों में आती रही। दीदी, स्कूल में दूसरे बच्चे भी जाते हैं ना, तुम समझती हो तुम्हारा ही लाला पढ़ने गया है? नहीं, मेरा मतलब अगर किसी ने गोपी की आंख फोड़ दी तो पेंसिल मारकर। वाह, ऐसी समझदारी की बात तुम्हें ही सोच सकती। अगर इतनी चिंता थी तो उसे स्कूल क्यों भेजा? तुम्हारे सीने में तो माँ का दिल ही नहीं है। हाँ छोटी बहू, हम ऐसा क्यों नहीं करें, अपने घर में स्कूल खुलवा लें। इस तरह की उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों का जिक्र किया जाए जिन्हें अगर आप आज भी देखते हैं तो निराश नहीं होंगे। ये फिल्में थी भाई भाई, मुसाफिर, दुल्हन, छाया, बेजुबान, मुझे जीने दो, गृहस्थी, शहनाई, फूलों की सेज, शहीद, राम और श्याम, राजा और रंक। आंसू बन गए फूल, घर घर की कहानी। ये क्या परिक्रमा हो रही है? ये कमबख्त बटन बंद ही नहीं होता, पतलून दिन ब दिन छोटी होती जा रही। पतलून छोटी नहीं हो गई बल्कि तुम मोटे हो गए हो। देखो ना, कल तुम निकल आई।
ये भी तुम्हारा ही कसूर है। तुम खाना इतना अच्छा बनाती हो कि आदमी खाता ही जाता, खाता ही जाता। आन मिलो सजना, पूरब और पश्चिम और जवानी दीवानी, ये सभी फिल्में आते आते निरुपमा रॉय ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से कलर फिल्मों तक का सफर तय कर चुकी थी। इनकी फिल्मों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, पर यहाँ हमने आपसे कुछ चुनिंदा फिल्मों का ही जिक्र किया है। अगर आप इनकी किसी फिल्म का नाम जोड़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब जिक्र करते हैं उस फिल्म का जिसने इन्हें फिल्मी दुनिया की बेमिसाल माँ बना दिया। 1975 में आई यश चोपड़ा की फिल्म दीवार, जिसमें निरुपमा रॉय ने अमिताभ की माँ का किरदार निभाया। उसके बाद तो वे अक्सर फिल्मों में अमिताभ की माँ बनकर दर्शकों का प्यार बटोरती रहीं। अमिताभ बच्चन के साथ साथ वे धर्मेंद्र, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना और शशि कपूर की भी माँ बनी। मजेदार बात ये थी कि जहाँ वे एक तरफ बहुत सी फिल्मों में धर्मेंद्र की माँ बनी थी, वहीं उन्होंने फिल्म बेताब में धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल की माँ का किरदार भी निभाया। उनकी कुछ और बेहतरीन फिल्मों का जिक्र किए बिना इस महान अदाकारा की बायोग्राफी को पूरा करना नामुमकिन सा लगता है। ये फिल्में थी अमर अकबर एंथनी, अनुरोध, सुहाग, तीसरी आंख, बेताब, मर्द। ए मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे। गंगा जमुना सरस्वती, नमक और लाल बादशाह। लाल बादशाह फिल्म 1999 में रिलीज हुई और ये फिल्म निरुपमा रॉय की आखिरी फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। यहाँ कमाल की बात ये है कि अक्सर बहुत सी फिल्मों में वे अमिताभ की माँ बनी और उनकी आखिरी फिल्म में भी अमिताभ ही उनके बेटे बने। एक और मजेदार बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जहाँ उन्होंने अपनी पहली बहुत सी फिल्मों में अशोक कुमार की बीवी के किरदार निभाए थे। मेरा मन चाहता है मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं, एक पल के लिए भी तुमसे अलग ना हूं। मैं क्या तुम समझती हो कि मेरा मन ऐसा नहीं चाहता? मैं ये क्या, नहीं नहीं। वही फिल्म अनुरोध में वे अशोक कुमार की बहू बनी और अशोक कुमार उनके ससुर के रूप में फिल्म में नजर आए। तुम आनंद की पत्नी हो? जी। मैं उसका पिता हूँ। जी तेरा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे घर चलो। जिस घर में मेरे पति को जगह नहीं मिली, उस घर में मैं कभी नहीं जाऊंगी। मुझे क्षमा कीजिए। यूं तो निरुपमा रॉय ने तरह तरह के किरदार निभाए, लेकिन जो छाप उनके माँ के किरदारों की बनी वो आज तक कायम है और सबसे ज्यादा उन्हें उनके माँ के किरदारों के लिए ही याद किया जाता है। लगभग 53 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली निरुपमा रॉय ने 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम दर्ज किए, वहीं साथ ही 2004 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। और इसी साल ये महान अदाकारा 13 अक्टूबर 2004 में कार्डियक अरेस्ट की वजह से इस दुनिया से चली गईं। अगर संसार में औरत न होती तो इंसान। बात करें निरुपमा रॉय के परिवार के बारे में तो वे और उनके पति दो बेटों के माता पिता बने, योगेश रॉय और किरण रॉय। निरुपमा रॉय के गुजर जाने के बाद जब उनके पति का भी देहांत हो गया तो उनके दोनों बेटों के बीच जिस कदर प्रॉपर्टी और बाकी चीजों को लेकर झगड़ा हुआ वो बेहद ही शर्मनाक था। जहां एक तरफ फिल्म दीवार में अमिताभ और शशि कपूर इस बात पर झगड़ते हैं कि माँ उनके साथ रहेगी, वहीं असल जिंदगी की कड़वी सच्चाई ये है कि निरुपमा रॉय की मृत्यु के बाद उनके दोनों बेटों में प्रॉपर्टी को लेकर जो झगड़े हुए उसमें मार पिटाई और पुलिस तक को भी शामिल किया गया। ये झगड़ा था 1963 में खरीदे गए नेपेंसी रोड के घर को लेकर, जो उस जमाने में निरुपमा रॉय ने 10 लाख में खरीदा था, पर अब उसकी कीमत 100 करोड़ रुपए आंकी गई थी। एक माँ जिसने 50 सालों से भी ज्यादा अपने जीवन में काम किया था, वहीं उनके बेटों ने महज प्रॉपर्टी के चलते
कभी अपनी माँ की कमाई हुई इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। आपको उनके जीवन की कहानी जानकर कैसा लगा और ऐसे बेटों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बॉलीवुड क्लासिक एरा की तरफ से ऐसी प्रतिभाशाली और महान अदाकारा को श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाजत लेना चाहूंगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।